आप सब कक्षा 12 में इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में पहला पाठ है हड़प्पा सभ्यता। इसके पहले आप सबको मैं बता चुका हूँ कि कक्षा 12 के इतिहास में कितने प्रश्न आएंगे और किस प्रकार के प्रश्न होंगे। तो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि कक्षा 12 में आप सबको प्रश्न पत्र में 26 प्रश्न आएंगे और 4 प्रकार के प्रश्न रहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ऐतिहासिक घटनाएं और इसके साथ मानचित्र। अब इसमें 10 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं एक एक नंबर के, उसके बाद 5 प्रश्न अतिलघुत्तरीय होते हैं 5-5 नंबर के, उसके बाद 6 प्रश्न आपके होंगे लघुत्तरीय प्रश्न, 3 प्रश्न विस्तृत उत्तरीय होंगी, उसके बाद ऐतिहासिक घटनाएं होंगी जो कि 10 घटनाएं होंगी, 10 तिथियां होंगी, कौन सी घटना उस तिथि पर घटित थी इतिहास में उसको आपको लिखना पड़ेगा, और आखिरी प्रश्न मानचित्र का होगा, भारत का मानचित्र रहता है। तो आज मैं आप सबको पहला पाठ इतिहास में पढ़ाऊंगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा क्या है प्यारे बच्चों? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था। मुख्य रूप से इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु आप सब जानते होंगे, सिंधु नदी है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकली है। सभ्यता क्या है? मानव का वह कार्य क्षेत्र जब वह सभ्य समाज, घर और अच्छे वस्त्र की कल्पना करता है तो उसी को सभ्यता कहते हैं। सभ्यता को अंग्रेजी में सिविलाइजेशन कहते हैं। यह सिविलाइजेशन ग्रीक भाषा के सिविक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नगर। उसके बाद यह जो हमने आपको बताया सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकली, चीन से होते हुए भारत, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और उसके बाद जा करके अरब सागर में गिरती है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी की लंबाई है 3180 किलोमीटर। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उन सब के समकक्ष ये बहुत पुरानी सभ्यता है। अब सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है? हो सकता है आप सब जानते हो। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान से ही हुई है। 1856 ईस्वी में जब अंग्रेज कराची से लाहौर के बीच रेलवे पटरी बिछवाने का कार्य अंग्रेजों ने शुरू किया, वहीं से खुदाई से इस सभ्यता के अवशेष मिलने लगे। खुदाई में मजदूरों को विचित्र प्रकार की वस्तुएं मिली, नरकंकाल मिले और मजदूर डर गए, उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया। तो वहीं से निश्चित हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पर है। और उसके बाद कई स्थानों की खुदाई करके लगभग सैकड़ों अवशेष इस सभ्यता के प्राप्त किए गए। तो सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पहला स्थान है वह है हड़प्पा। पहला स्थान है हड़प्पा।
यह हड़प्पा पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी जिले में स्थित है। वर्तमान में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त ने कराई थी। यहीं से सिंधु घाटी के सभ्यता की खोज की शुरुआत होती है। तो यह मॉन्टगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त ने इस स्थान की खुदाई करवाई। इस स्थान की खुदाई में कब्रिस्तान, पत्थर की मूर्ति, घर, नालियां, ये सब के अवशेष प्राप्त हुए। उसके आगे दूसरा स्थान है मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। यह भी पाकिस्तान में है। वर्तमान में लड़काना जिले में 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने इस स्थान की खुदाई करवाई और खुदाई में 7 परतें मिली। अर्थात 7 परतों का मतलब यह हुआ कि यह नगर 7 बार उजड़ा और 7 बार बसाया गया। मोहन जोदड़ों में पशुपत की मूर्ति, कांस की नर्तकी की मूर्ति, विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सब चीजें प्राप्त हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता से जो तीसरा स्थल प्राप्त हुआ, तीसरे स्थल की खुदाई की गई, उसका नाम है चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो यह स्थान भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चन्नूदड़ो की खुदाई एमएन मजूमदार ने 1931 ईस्वी में करवाई। एमएन मजूमदार ने 1931 ईस्वी में चन्नूदड़ो नामक स्थान की खुदाई करवाई और इस स्थान पर एक विशाल मनके का कारखाना प्राप्त हुआ। मनके का कारखाना, अगर ये प्रश्न आए कि मनके का कारखाना सिंधु घाटी की सभ्यता में या हड़प्पा की सभ्यता में किस स्थान पर प्राप्त हुआ, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि वह स्थान था चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो की खुदाई 1931 ईस्वी में मजूमदार ने करवाई थी और वहीं पर मनके का एक विशाल कारखाना प्राप्त हुआ था, मनका बनाने का। उसके बाद है कालीबंगा। यह कालीबंगा भारतवर्ष राजस्थान में है। कालीबंगा की खुदाई अरविंद घोष ने 1953 में करवाई थी। 1953 ईस्वी में अरविंद घोष ने कालीबंगा नामक स्थान की खुदाई करवाई, जो कि भारत में है, राजस्थान प्रदेश में है। यहाँ से जुते हुए खेत और हवन कुंड के अवशेष मिले। इस स्थान से जुते हुए खेत और हवन कुंड के प्रतीक मिले, चिन्ह मिले। तो आप लोगों ने आज पढ़ा सिंधु घाटी की सभ्यता में हड़प्पा कहाँ पर है, हड़प्पा की खुदाई किसने और कब करवाई, मोहन जोदड़ो कहाँ पर है, उसके स्थान की खुदाई किसने कब करवाई और क्या प्राप्त हुआ, उसके बाद चन्नूदड़ो, चन्नूदड़ो के बाद कालीबंगा। तो प्यारे बच्चों, आप सब कक्षा 12 में इतिहास में पहला पाठ हमने शुरू किया है, पाठ का नाम है
हड़प्पा सभ्यता। आप सबके पास अगर किताब न हो तो आप किताब खरीद लें और घर पर अध्ययन करें, इस वीडियो के माध्यम से पढ़ें। चूँकि COVID-19 महामारी के चलते क्लास विद्यालय में नहीं चल पा रहे हैं, जब शासन आदेश करेगा तब से क्लास विद्यालय में चलने शुरू होंगे, तब तक आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो आप लोग पढ़ते रहें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।